शब्दों में थोड़ा हॉस्पिटल के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं जब पहले पहले यहाँ टेस्ट कराने आया था और टेस्ट करवा के गया तो बाकी लोगों को चलता हुआ देखकर मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई कि मैं काश मेरा भी कुछ इस तरह का हो जाता। चूँकि हमारी उम्र 60 वर्ष की है तो फिर भी मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि इतना उम्र में ऑपरेशन कराना कैसे होगा नहीं होगा। और भी बहुत सारे डॉक्टर से मैं मिला तो उन्होंने कहा कि एज आपका ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे मन में तसल्ली नहीं हुई, मैं यहाँ चला आया, मैं यहाँ पर अपना ऑपरेशन करवाया। मैं 2 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता था किसी सहारा को भी लेकर, लेकिन अभी स्थिति यह है कि मैं 35-40 मिनट खड़ा हो जाता हूँ। And he has completed 2 months, and we were not very sure that whether it will get positive results or not, but now it's only 2 months and we are getting very good results and we are very happy. My father's future will be very good, even our whole of our family's future will be very good, and I'm especially thank you to Bhola sir and Satish sir. They have been very cooperative with my father, very cooperative with each and every staff. Each and every staff, I don't remember the name particularly, Shubham and many more. Every staff, Sanju Bhaiya and Sonu Bhaiya, everyone, they are very cooperative. They treat my father very politely, very, very beautiful, very beautifully. They have managed everything. And especially Bhola sir, he has been always with my father, every ups and downs, anything. And we never expected that my dad will get such a positive results, and I will always be thankful to you, sir, for what you have given to us. And I am very confident my father will be very fine in future. बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी खासियत मुझे नजर ये आ रही है कि जो डॉक्टर साहब हैं यहाँ के, जो इलाज करते हैं, ये तो किसी भी पेशेंट का कोई गारंटी नहीं लेते हैं। किसी प्रकार का गारंटी यहाँ नहीं दिया जाता है कि हाँ आपको ऐसे ठीक हो जाएगा, वैसे ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो काम करते हैं, इनका काम करने का जो तरीका है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गारंटी है। तो डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट हमको बहुत अच्छा लगा। ये पोलियो पेशेंट के लिए आज के समय में भगवान स्वरूप हैं, ये वरदान है यहाँ के लिए नहीं, बिल्कुल हिंदुस्तान के लिए। मैं बता रहा हूँ कि मैं काफ़ी जगहों पर गया हूँ, काफ़ी जगह कंसल्ट किया हूँ, लेकिन कहीं भी इस तरह का हमको रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। अब ये यूट्यूब पर या डॉक्टर कोई अपना सिफारिश करता हो, कुछ करता हो, तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मैं पर्सनली 2-4-5 जगह विजिट करके वहाँ के पेशेंट से मिला हूँ, तो उनको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला और जगह पर जहाँ ऑपरेशन कराया। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर भोला को कि जो इस तरह का सेवा कर रहे हैं लोगों को, और एक नया जीवनदान लोगों को मिलता है, लोगों में उमंग आती है, जीने की इच्छा बढ़ जाती है। किसी भी आदमी का कोई अगर किसी तरह का अंग खराब है, अगर 50-60 बन रहा, तो खैर बचपन में 3.5-4 साल के एज में हमको पोलियो होता है और 60 बरस अभी हमारी उम्र है, तो सोचो अगर हमारा कुछ ठीक होता है तो मेरे को अंदर से कैसा रहेगा। तो मैं सभी को राय देना चाहता हूँ कि जो भी जिनको भी ये जानकारी मिलती है तो ये अवश्य एक बार यहाँ पर पधारें। और यहाँ पर डॉक्टर साहब चूँकि अपने से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हैं, ये एक ऐसे डॉक्टर हैं जो देखते हैं हर एक पेशेंट के बारे में, उनको पूरी जानकारी रहती है और हर एक पेशेंट के लिए वो व्यक्तिगत रूप से चिंतित रहते हैं। किसको क्या है, किसी को अगर बुखार आ गया तो रात में सोए रहते हैं तो वहाँ से भी फ़ोन करते हैं, नाइट ड्यूटी वाले आदमी से पूछते हैं कि हाँ भाई अमुक पेशेंट का क्या हाल चाल है, कैसा महसूस कर रहा है, फ़ोन पर उससे बात करना चाहते हैं, सुबह सुबह पहुँचाएंगे दरवाजा नॉक करके। ये एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत गुण है उनकी, तो मुझे इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा लगा, आचरण अच्छा लगा, और ऐसे भी स्वभाव से बोला।